महाराज मैं कोई और नहीं, मैं एक दुखियारी आपकी पत्नी तारा हूँ महाराज। मेरी पत्नी तारा? अरे मेरी पत्नी तारा तो उसी समय पर मर चुकी थी जिस समय बरना घाट पर मुझे घड़ा उठवाने से इनकार कर दिया था। हे महाराज, आप एक राजा हो, आप खुद जानते हो कि मैं एक भंगी के घर पे नौकरी करती हूँ और आप एक भंगी के घर पे नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पे। महाराज मैं आपके घड़े को हाथ लगा देती तो मेरा धर्म घट जाता महाराज, धर्म घट जाता। ए दुखियारी, ये धर्म घट जाता। हे महाराज, आज मैं भी नौकरी कर रहा हूँ काड़िया भंगी के यहाँ, मुझे 125 चाहिए जब ये मुर्दा आप फूंक सकती हो, अन्यथा ले जाइए इस मुर्दे को। ये मेरा ही बेटा नहीं, ये आपका भी बेटा है महाराज। मेरा बेटा था, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा था, अब मेरा बेटा नहीं, ये बिक चुका है, तू भी बिक चुकी है। कुछ कहना चाहती हो तो बताओ। सुनिएगा, कि जोर क्यों जमा बे पिया, सुरानी तेरी में, सुरानी तेरी में। अच्छा, हेर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, हे कहानी तेरी में, चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जैसा आपने सोचा है, इस दुखियारी के पास कर में देने के लिए आज फूटी कौड़ी तक नहीं महाराज, और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो महाराज। अरे फूटी कौड़ी नहीं तो ले जाए, इस लाश को कहीं भी फूंक सकती है। सुनिएगा मेरी बात, कहिए। रानी सत संगी हूँ, तन्नू कह दी न घड़ा
महारानी, क्योंकि एक औरत को एक मर्द की बहुत जरूरत होती है। अच्छा, अगर उसके सुख दुख में काम ना आए तो वो अकेली दुखियारी हो जाती है। महाराज, मैंने तो सोचा था कि आगे चलूंगी, मेरे पति देव मिलेंगे, मेरे सुख दुख में काम आएंगे, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास रचा दिया। महाराज, पति देव मिलेंगे, आज तुझे पति की याद आ गई, उस दिन को भूल गई। अरे जब मैं 40 रोज का भूखा था, मुझ पे खड़ा नहीं सकता था, मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी, थारावती तूने घड़ा उठवाने से इनकार कर दिया था। महाराज, आज तुझे मेरी याद आ गई। वो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी महाराज। मजबूरी थी तो आज मेरी भी मजबूरी है। सुनिएगा, कहिए। चंद मिलते हैं, और जब आता है समय मुसीबत का, जिनको समझे बैठे हैं हम अपना, उन्हीं के दरवाजे बंद मिलते हैं। तारावती, तूने अपना रोल दिखा दिया था, और आज तू ऐसी ऐसी बातें करती है, मेरे दिल को फिसलाने की कोशिश करती है। सुनिएगा, मैं अपने फर्ज से नहीं दूंगा। बात है प्यारे, वक्त बड़ा बलवान रे, अरे वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, सुनिएगा मेरी बात। कहते हैं दोस्तों, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और छोटा सा जख्म भी नासूर बना देता है। यूं तो कोई नहीं चाहता इस जिंदगी में गलतियां करना, लेकिन क्या करें, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है।
क्योंकि ईश्वर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, और जो होना है होकर रहेगा हर बहाने से। तारावती सवार रुपया तो तुझे देना पड़ेगा महाराज। किसी टाइम में आप राजा और मैं महलों की रानी कहलाई जाती थी, लेकिन आज आप एक नौकर भंगी के यहाँ पर पानी भर रहे हो महाराज। नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये वक्त है महाराज। आज हमारे पास जो इकलौता हमारा बेटा था महाराज, वो भी चला गया इस दुनिया से महाराज। ईश्वर है, ईश्वर पर भरोसा रख। सुनिए सोचती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, जो मेरी अर्धांगी है मेरी घरवाली है। तू क्या सोचती है कि मैं तेरे बेटे से प्यार नहीं करता, वो मेरा बेटा लगता है। तू क्या सोचती है कि बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करता। अरे बाप, बाप के कपड़े फट जाते हैं अपनी औलाद को पालने में। बाप को पता होती है मजदूरी करके कैसे आता है, अरे कैसे सुबह से शाम तक दिन रात घूमता है, कैसे कैसे पापड़ पेलता है। और तू कहती है कि मुझे दुख नहीं है, लेकिन तारावती मैं अपने फर्ज से नहीं हटूंगा। तो महाराज मैं भी आपके साथ आपका फर्ज अदा करने के लिए तैयार हूँ महाराज। जो मेरे पास साड़ी का पल्लू ये आधा चीर है महाराज, आप इसको ले लीजिए महाराज। नंगे सर तू। ए नई बस्ती गुरु धाम जय करने
ये दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।